चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन के लिए बेल बटन दबाएं। धाकड़ खबर, बेखौफ जुबान, बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान लोजी। फिर से उपचुनाव में विपक्ष जीत गया है। जी हां, फिर से उपचुनाव में विपक्ष जीत गया है। फिर से राजस्थान से ऐसी खबरें आ रही हैं कि जो उपचुनाव हुए हैं वहां पर विपक्ष जीत गया है। कहां पर चुनाव हुआ है, कैसा चुनाव हुआ है, इस पूरी खबर में आपको बताऊंगा। बात शुरू करने से पहले आपके सामने कुछ चीजें रखना चाहता हूं। आपको याद होगा मध्य प्रदेश की कोलारस और मुंगावली विधानसभा सीटों के उपचुनाव में भी विपक्ष जीत गया था, यानी कांग्रेस जीत गई थी। सत्तारूढ़ शिवराज सिंह सरकार भारतीय जनता पार्टी वहां पर हार गई थी। इसी तरीके से राजस्थान में जो अजमेर अलवर और मांडलगढ़ सीट पर विधानसभा चुनाव हुआ, इन दोनों सीट अलवर और अजमेर पर लोकसभा का चुनाव हुआ था, वहां पर भी विपक्ष यानी कि कांग्रेस जीत गया था और सत्तारूढ़ दल जो है वो हार गया था। इसी तरीके से पश्चिम बंगाल के अंदर जब चुनाव हुआ तो वहां की एक लोकसभा और विधानसभा सीट पर ममता बनर्जी ने कब्जा कर लिया था भारतीय जनता पार्टी को, वहां पर भी हार का सामना करना पड़ा था। इसी तरीके से उड़ीसा में जब उपचुनाव हुआ लोकसभा की सीट पर, विधानसभा की सीट पर, वहां पर भी बीजू जनता दल यानी कि नवीन पटनायक की पार्टी ने वहां पर अपनी सीट पर कब्जा कर लिया था, जीत ली थी भारतीय जनता पार्टी को, वहां पर भी हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन जब मुख्य चुनाव हुआ पूर्वोत्तर के तीन राज्यों में, त्रिपुरा में, मेघालय में और नागालैंड में, तब नतीजे कुछ और आए। लगता है देश में जो है आवाम जो है, जो नागरिक हैं, वो अभी शायद पूरी तरीके से तैयार नहीं है। वो उपचुनाव के लिए तैयार हैं और मैन चुनाव के लिए तैयार नहीं है। मैन चुनाव में वो एक ही पार्टी को जिताना चाहते हैं। उपचुनाव में कुछ दिन के लिए ध्यान दीजिएगा, 6 महीने के लिए, क्योंकि लोकसभा चुनाव होना ही है साल भर बाद, विधानसभा का चुनाव राजस्थान में होना ही है, मध्य प्रदेश का चुनाव राजस्थान में होना ही है और आपका उड़ीसा में भी चुनाव होना ही है, तो कुछ दिन के लिए वो उनको जिताकर खुश कर देना चाहते हैं। लेकिन जब मुख्य चुनाव आएगा तो वो फिर उन्हीं लोगों को जिताएंगे, या यूं कहें, क्योंकि जैसे आप लोग कमेंट्स करते हैं, ममता बनर्जी ने भी सवाल खड़ा किया, सीताराम येचुरी ने भी सवाल खड़ा किया कि वो ईवीएम उपचुनाव में विपक्ष को जिता देती है और जब मैन चुनाव होता है, मुख्य चुनाव होता है, तो उसमें वो एक विशेष पार्टी को ही जिताती आ रही है। शाम दाम दंड भेद वो लोग अपना कर जीतते आ रहे हैं। ये पूरा का पूरा एक माहौल आपके सामने बनता जा रहा है, आप लोग देख ही रहे होंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप उपचुनाव में जीत जाते हैं यानी कि विपक्ष जीत जाता है, तब वो सवाल खड़े नहीं करता है। जब वो हार जाता है मुख्य चुनाव में, तब वो सवाल खड़े करता है। इसलिए उसके सवाल खड़े करने में वो वजन नजर नहीं आता, उसकी बात में वो दम नहीं दिखाई देता, क्योंकि जब आप उपचुनाव में जीत जा रहे हैं तब आप वाहवाही लूट रहे हैं। सचिन पायलट खुद को सीएम प्रत्याशी घोषित कर दे रहे हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया मध्य प्रदेश में खुद को सीएम प्रत्याशी घोषित कर दे रहे हैं, तो तब कुछ और बोलते हैं और जब आप मुख्य चुनाव में हार जाते हैं तब कुछ और बोलते हैं। इसलिए आवाम जो है, पब्लिक जो है, जो नागरिक है देश का पूरा, वो भी कंफ्यूज है। उसे लगता है कि अगर वाकई में मशीन खराब है तो मशीन खराब होने का मुद्दा पूरे तरीके से एक बार ही क्यों नहीं उठाते हैं। ये उपचुनाव में भी कहेंगे बैलेट पेपर से चुनाव कराइए, और ये मैन चुनाव में भी कहें, मुख्य चुनाव में भी कहेंगे बैलेट पेपर से चुनाव कराइए। खैर, हम अपनी बात पे आते हैं। हमारे पास खबर है राजस्थान से। राजस्थान के 21 जिलों में जिला परिषद के और नगर परिषद के चुनाव हुए हैं। उसमें क्या हुआ है, उसमें जबरदस्त जीत हुई है कांग्रेस की, भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा है। ये रिजल्ट आए हैं वहां से, राजस्थान से। अब साहब गुजरात का उपचुनाव तो है नहीं कि ढैन 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 करते हुए मैन स्ट्रीम मीडिया शाम को प्राइम टाइम शो सजा के बैठ जाएगा, दंगल करेगा, आर पार करेगा और क्या नाम है, ताल ठोक देगा। वो कुछ ऐसा तो करने वाला है नहीं, क्योंकि ये तो राजस्थान से चुनाव है, यहां बीजेपी हार रही है। वहां गुजरात में बड़े ही कांग्रेस की बढ़त हो रही है, लेकिन बीजेपी जो है सत्ता में आ रही है तो वहां दिखाएगा। मध्य प्रदेश में जब बीजेपी आ रही है तब वो उस पर डिबेट नहीं करेगा। पंजाब में जब कांग्रेस सुपड़ा साफ कर दे रही है निकाय चुनाव में, तब वो डिबेट नहीं करेगा। लेकिन गुजरात में जब उपचुनाव होंगे तो वो डिबेट करेगा। और अब उपचुनाव हो रहा है उत्तर प्रदेश में, जैसा मैंने आपसे कल भी कहा था कि 2 सीटों पर, फूलपुर और गोरखपुर पर सीट पर हो रहा है। लोग दंगल वहीं जाके कर रहे हैं, आर पार वाले लोग वहीं पहुंच गए हैं, ताल ठोकने वाले लोग वहीं पहुंच गए, वहीं जाके शोर से जाके बात कर रहे हैं, वही माइक में घुसा घुसा के पूछ रहे हैं मुंह में कि आपने वोट दिया, उंगली दिखाइए। लेकिन राजस्थान जब बिहार में चुनाव हो रहा है वहां से तो ऐसी तस्वीर आ नहीं रही। तो ये मीडिया है, खैर आपके सामने ऐसे ही करेगा, इसे जहां अपने फायदे लगेंगे, जहां पे अपना हित नजर आएगा वहां पे ये बात करेगा। सबसे पहले बात करते हैं जिला परिषद चुनाव की, किन जिलों में चुनाव हुआ है, कौन सी जगह पे कौन जीता है, वो आपको बताऊंगा।
छह जिला परिषद का चुनाव हुआ था जिसमें चार पर कांग्रेस जीती है। बाड़मेर में कांग्रेस जीती है नंबर 1, डूंगरपुर में कांग्रेस जीती है, करौली जिले में जो है कांग्रेस जीती है 2 सीटें वहां पर, 1 पर भाजपा जीती है जिला परिषद की, वो कहां पे जीती है, झुंझुनू में जीती है बीजेपी, और 1 पे निर्दलीय जीता है जो उदयपुर में जीता है। ये है जिला परिषद सीटों का हाल, चुनाव का हाल। इसी तरीके से 21 पंचायत समितियों में से 12 पर कांग्रेस जीती है। कहां कहां जीती है, किन किन जिलों की जीती है वो आपको बता देता हूं। नंबर 1 भरतपुर में जीती है, भीलवाड़ा में जीती है, बीकानेर में जीती है, बूंदी में जीती है, आपके चूरू में जीती है, और इसके अलावा दौसा में जीती है, राजसमंद में जीती है। राजसमंद वो इलाका जहां पे उस वैसी दरिंदे शंभूलाल रैगर ने बंगाल के उस कमजोर से दिखने वाले मजदूर अफरानुल इस्लाम का कत्ल कर दिया, काट दिया, जला दिया और वीडियो बना के बकवास की और लाखों लोगों ने वायरल किया। टोंक में जीती है। इसके अलावा 8 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीती है। 21 में से 12 पे जीत गए, 8 पे भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी कहां कहां जीती है, चित्तौड़गढ़ में जीती है, जोधपुर में जीती है, नागौर में जीती है, प्रतापगढ़ में जीती है, वहां पे उदयपुर में जीती है। उदयपुर वो इलाका है जहां कोर्ट के ऊपर चढ़ के भगवा झंडा लगा दिया गया। टोंक में जीती है। 1 सीट पर निर्दलीय जीता है, वो जीता है हनुमानगढ़ में। इसके आगे चलते हैं, निकाय जो हुए हैं, जो लोकल बॉडी इलेक्शन हुआ है निगम परिषद निकाय परिषद का, उसमें 6 में से 4 सीट पर कांग्रेस जीती है साहब। वो देख लेते हैं कहां कहां जीती है। अजमेर, झुंझुनू, सिरोही, टोंक, इन चारों जगह पर, चारों जिलों में कांग्रेस जीती है। 2 पर भाजपा जीती है। धौलपुर की ये दोनों सीटें हैं, यहां पर भाजपा जीती है। पिछला क्या रिकॉर्ड था वो हमें मिल नहीं पाया, हमने खंगालने की काफी कोशिश की, क्योंकि खबर उसी तरीके से अगर हम रखते, क्योंकि 21 में से अगर 12 पे कांग्रेस जीत रही है तो 21 में से कितनी सीटें बीजेपी के पास पहले थी, कांग्रेस के पास कितनी थी, जिला परिषद 6 सीटों में से जिसपे कांग्रेस 4 जीती है उसमें से पहले बीजेपी के पास कितनी थी, कांग्रेस के पास कितनी थी। इसी तरीके से निकाय परिषद में बीजेपी जो 6 सीटों में से 4 कांग्रेस जीती है उसमें से बीजेपी के पास पहले कितनी थी और कांग्रेस के पास कितनी थी, अगर वो आंकड़ा के भी होता तो ज्यादा अच्छा लगता ये बताते हुए, कंपेयर करते हुए कि कौन घटा और कौन बढ़ा। लेकिन दुर्भाग्यवश बहुत सारी चीजें सर्च करने की कोशिश करते हैं नहीं मिल पाती है, क्योंकि भोंपू मीडिया उन सब चीजों को दबाने छुपाने में लगा हुआ है। आपको हमारी खबर कैसी लगी कमेंट्स के रूप में आप अपनी राय दे सकते हैं, हमारी खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और ज्यादा से ज्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे एक सुलगते हुए मुद्दे के साथ जिसे भोंपू मीडिया आपसे छिपाने की ना दिखाने की कसम खा चुका है, उसे लेकर मैं आपके बीच आऊंगा। फिलहाल अभी मुझे दें इजाजत।